काला पीपल के कांग्रेस विधायक ने अल्प प्रवास के दौरान कोलाईकला नगर कांग्रेस कार्यालय पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम के टोल टैक्स कर्मचारी के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ऑडियो वायरल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है, प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बची है। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रदेश में गुंडागर्दी का माहौल बनाया जा रहा है, जहां देखो वहां शासन के जिम्मेदारों के सामने ही कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया जा रहा है। और एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा में हमें संविधान नियम कानून कायदे का पाठ पढ़ाया जाता है, इससे यह साबित होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और सिर्फ आम लोगों के लिए कानून कायदे बचे हुए हैं। सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार की गुंडागर्दी करने का काम किया, दुर्भाग्य है कि जो विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे बीच में रहते हैं, हमें सुचिता की बात करते हैं, कोई नई बुक ला के देते हैं कि इसको आप नहीं बोल सकते, कई बार आप सही शब्दों का भी चयन करो तो उनको विलोपित करने का काम करते हैं, और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जिस अभद्रता की भाषा कह रहे हैं, उस ऑडियो को सुनने के बाद उन शब्दों को भी दोहराया नहीं जा सकता, जिस तरीके से गालियां देने का काम करें, और सिर्फ इसलिए कि अगर टोल के कर्मी ने अपना काम करके गाड़ी रोक के कि जिस प्रकार से उससे टोल की बात करी तो गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि कथनी और करनी का अंतर है, एक तरफ सेमिनार आयोजन कराया जाता है, एक तरफ SDM को ये कराया जाता है, क्योंकि सत्ता के उसके अंदर नजदे के चूर होके और कहीं ना कहीं अधिकारी भी जिस प्रकार से सत्ता के डर में है तो उस तरह के भाव को सुनते स्पष्ट रूप से सत्ता का नशा इनके सर पे चढ़ा हुआ है, जनता इन्हें जवाब देगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पोलाईकला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।